बलूचिस्तान हाई कोर्ट का सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ सूबे में तमाम मुकदमात खत्म करने का हुक्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आजम सवाती को रिलीफ देते हुए सूबे भर में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म करने के साथ उन्हें रहा करने का हुक्म दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आजम सवाती को रिलीफ देते हुए सूबे भर में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म करने के साथ उन्हें रहा करने का हुक्म दिया। इस हवाले से जस्टिस हाशिम काकर ने दरख्वास्त पर समाअत की और आजम सवाती के खिलाफ केसेस खत्म करने का हुक्म दिया और अदालत का पुलिस को आजम सवाती को रहा करने का हुक्म देते हुए पुलिस को उन्हें रहा करने का हुक्म दिया। ख्याल रहे कि आजम सवाती के बेटे ने अपने वालिद के खिलाफ मुकदमात खत्म करने की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया था कि उनके खिलाफ बलूचिस्तान में दर्ज 5 मुकदमात खत्म किए जाएं। आजम सवाती के बेटे उस्मान सवाती के वकील नसीबुल्लाह तरीन ने BBC को बताया कि हाईकोर्ट ने यह करार दिया है कि आजम सवाती के खिलाफ दर्ज 5 FIR जका को कानून जवाज नहीं। उन्होंने बताया कि अदालत ने कहा कि चूंकि आजम सवाती के खिलाफ उनके ट्वीट्स के हवाले से FIA ने रावलपिंडी में FIR दर्ज की है, जिसके बाद कानून के मुताबिक किसी दूसरे इलाके में इस केस से मुतालिक FIR दर्ज करने का कोई जवाज नहीं। नसीबुल्लाह तरीन ने कहा कि हाईकोर्ट के जज ने कहा कि अगर आजम सवाती किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। बलूचिस्तान पुलिस ने आजम सवाती को इस्लामाबाद से तहवील जिला क्वेटा के इलाके कुचलाक में एक मुकदमे के हवाले से क्वेटा मुंतकिल किया था। कुचलाक के अलावा आजम सवाती के खिलाफ 4 दीगर इलाकों में अधिनोयत के मुकदमात दर्ज कराए गए थे। मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल कैंपेन न्यूज़ हरनाई को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।